कि इस देश में हिंदू समाज चलता है गीता और रामायण से, मुस्लिम समाज चलता है कुरान से, ईसाई समाज चलता है बाइबल से, लेकिन हमारे बाबा साहब के संविधान से संसद चलती है, उच्चतम न्यायालय चलती है, हाईकोर्ट चलती है, पूरा देश चलता है। इस संविधान के खिलाफ एक इतना जो है अंदर ही अंदर जो हमारा दुश्मन है, जो सिर्फ अम्बेडकरवाद का चश्मा ही उसको पहचानता है, संविधान को मानने से इनकार कर रहा है, किसी न किसी बहाने से संविधान के खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। मैं आज के अवसर पर बस इतना ही कहूँगा कि कान खोलकर सुन लो मित्रों, दलित अब नादान नहीं है, जलती हुई मसाल है, अब किसी का पायदान नहीं है, और जिस धन में होते हो करोड़ों देवी देवता, उसमें उसका कोई भगवान नहीं है सिर्फ संविधान के अलावा, बाबा साहब के अलावा। ये एक संवैधानिक बात है, सुप्रीम कोर्ट का जज चाहे जस्टिस चीफ जस्टिस कितना ही विद्वान क्यों ना हो, वो संविधान से इधर या उधर जा नहीं सकता है, कोई भी आईएएस ऑफिसर जा नहीं सकता है। बाबा साहब को पता था कि आगे चलकर क्या होगा, उन्होंने रात रात भर जग कर, उनको डायबिटीज हो गई, बीमार हो गए, समय से पहले चले गए इस संविधान के खातिर। उन्हें पता था कि यहाँ पर सांप है, बिच्छू है, नाग है, हमारे लोगों को काटेंगे, आम आदमी को काटेंगे, गरीब आदमी को काटेंगे, क्यों ना इनको जो है बांधा जाए, भारतीय संविधान रचकर उसमें प्रोविजन डालकर बाबा साहब चले गए और इस देश को सुरक्षित करके चले गए भारतीय संविधान के जरिए से। ये सबसे बड़ी जो है बाबा साहब की देन है, जो देन विश्व में आज तक किसी की नहीं है। हमारी पहचान योग्यता से नहीं, विद्वता से नहीं, हमारी पहचान हमारे व्यवहार से नहीं, हमारी शिक्षा से नहीं, डिग्रियों से नहीं, हमारी पहचान इस देश में जात से है। हम कितने भी अच्छे डॉक्टर बन जाएं, फिर भी हम बदनाम हैं। एक कवि मन कहता है कि तुम तो सबरी के झूठे बेर खाकर राम हो गए, कि तुम तो सबरी के झूठे बेर खाकर राम हो गए, हम सदियों से झूठन खाते रहे, फिर भी हम बदनाम हो गए। लास्ट में चार मिनट और कह रहा हूँ, दो मिनट की जगह मैं कई मिनट ले गया कि बाबा की कसम, बुद्धा की कसम, बाबा की कसम, बुद्धा की कसम, अब हम ना जुल्म सहेंगे, जिस धर्म में हमने जन्म लिया उस धर्म में नहीं मरेंगे, यही बाबा साहब की प्रतिज्ञा थी, तो मैं समझता हूँ हम सबकी प्रतिज्ञा भी यही। लेकिन आम आदमी जो गांवों में बैठा है, कस्बों में बैठा है, शिक्षा की तरफ है, वो एक झुंड की तरह से है। कवि मन कहता है कि फंस गया है मेरा समाज भेड़ियों के झुंड में, अब तो हर होठ से जय भीम निकलनी चाहिए, अब तो हर होठ से जय भीम निकलनी चाहिए। थैंक यू।